नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में कोविड 19 स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड 19 मामलों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने के साथ इंडोर खेल परिसरों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद रखने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त राज्य में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल इत्यादि में इंडोर क्षमता के 50% लोगों को ही अनुमति देने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया जिन्होंने 30 सितंबर 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि, अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतन भोगी के रूप में 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 129 पदों को भरने का निर्णय लिया। बैठक में ग्राम पंचायत मुराग, शरण और कांडा बक्सियाड़ को मंडी जिले के विकास खंड गोहर से विकास खंड सराज स्थित जंजहैली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके। मंत्रिमंडल ने मंडी सदर तहसील के अंतर्गत धुआं देवी को वर्तमान पटवार वृत्त पंटोह, मझवाड़ और नेला से निकालकर धुआं देवी में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया। बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चच्योट तहसील के तहत पटवार वृत्त किलिंग के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र के बड़ा गांव में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य सफल बोलीदाता मैसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई दीपा रोशन लाल शाही कंसोर्टियम को देने पर भी अपनी सहमति दी। यहां उपलब्ध सुविधाएं पर्यटन को नए आयाम देंगी और ये राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिमंडल ने परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाते हुए सुरक्षित, लचीली और उच्च मानकों पर आधारित परिवहन आधारभूत संरचना विकसित करने तथा हरित विकास को बढ़ावा देते हुए राज्य स्तरीय परिवहन एवं लॉजिस्टिक संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अधोसंरचना विकास निगम को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिवालसर को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डहर को 30 बिस्तर से 40 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जांच को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ग्राम पंचायत रंधाड़ा और ग्राम पंचायत मझवाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इनमें 3-3 पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और यहां 4 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों चौतरा और अशला को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और इन स्वास्थ्य केंद्रों में 9 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल मनाली को 100 बिस्तर के अस्पताल में स्तरोन्नत करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो सके। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला मंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गागल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला सोलन के स्वास्थ्य उपकेंद्र बागा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र गोलवा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पिपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। बैठक में जिला चंबा के बनीखेत में आयोजित आशुर नाग मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर की राजकीय उच्च पाठशाला पोटा मानल सखोली शोगा कांडो थौंटा तथा कोटला पंजोला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला बैला घुंडा तथा बदवा को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत कर इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला सोलन की राजकीय प्राथमिक पाठशाला शामटी और रबौण को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं धिमला और लग को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने तथा स्कूल के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला लाहौल स्पीति में राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं किशोरी और भुजंड को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने और स्कूल के बेहतर प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों के सृजन और इन्हें भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए जिला मंडी के बिरनू में स्वास्थ्य उपकेंद्र और बाह की धार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत करजान के साजला में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए मंडी जिला के विकासखंड सुंदरनगर के किंदर और विकासखंड करसोग के महोग और महुनाग में बागवानी विस्तार केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडप को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया ताकि क्षेत्रवासी लाभान्वित हो सके। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाणा में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के 7 पद भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के हीरपुर भूपुर और खोदरी माजरी गांव में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नए पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एवं मानवीय मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्मार्टफोन प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा महामारी के दौरान लोगों के लिए की गई उनकी सेवाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत बेहतर काम किया और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ा काम किया। सरकार को भी मदद मिली, सरकार को भी सहयोग करने के साथ साथ में समाज तक हमने उस सहयोग को पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया और आपने समाज को भी सीधे सीधे तौर पर जो है मदद के रास्ते जो खुले रखे और लोगों को प्रेरित किया और इस सारी चीज़ से हम बाहर निकले, उसके लिए जो जो आपके एक योगदान रहा है उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। मैं पूरा आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी टीम को एक बार फिर से साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री श्री रविशंकर जी का। उन्होंने पूरे देश में जो जिस प्रकार से इस संकट के घड़ी में प्रेरणा दी हम सब लोग को जो है पुण्य के कार्य में जोड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को जिन लोगों ने डोनेट किया इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उनको भी प्रेरित किया और बच्चों को एक बहुत बड़ी एक मदद इसके माध्यम से जो हो रही है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट के क्षण से हम बहुत जल्दी हम बाहर निकल सकें और आप सभी से मेरा यही है कि कहना है कि इस कोविड के दौरान जो है जो सावधानी है उन सावधानी को हम ध्यान में रखते हुए आगे काम करते रहें। ये पुण्य का कार्य कहीं नहीं रुकना चाहिए, चाहे कोविड का कितना भी दौर आए और उसके बावजूद भी ये सतत चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए, यही मैं उम्मीद करता हूँ, यही विश्वास करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और मैसेज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य राज्य में निगम की आवश्यकताओं के अनुरूप स्टील की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के मोबाइल ऐप और उन्नति पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ये पोर्टल उपयोगकर्ताओं को दूसरों के साथ मिलकर और व्यक्तिगत परियोजनाओं पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्नति पोर्टल रियल टाइम सहयोग के साथ ही उपयोगकर्ताओं को किसी भी स्थान और समय पर साथ में काम करने और दस्तावेजों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा।
श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की ओर से 1,54,00,000 रुपए के लाभांश का चेक उद्योग मंत्री श्री विक्रम सिंह और निगम के प्रबंध निदेशक श्री राकेश प्रजापति द्वारा भेंट किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51,00,000 रुपए का चेक भी मुख्यमंत्री को प्रदान किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।